फ्रेंड आप देख रहे टेक्निकशिप चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा जो आप अपने मोबाइल को वायरस से कैसे बचाओगे। आपके मोबाइल में जो वायरस घुस जाता है और आपका मोबाइल इसकी वजह से हैंग होने लगता है, स्लो चलने लगता है, तो इससे आप कैसे बचोगे। आपके मोबाइल में कभी कभी ऑटोमेटिक मालवेयर डाउनलोड हो जाता है और इसकी वजह से आपका मोबाइल जो बहुत ही ज़्यादा हैंग होने लगता है, और आपके मोबाइल में जो घड़ी घड़ी तरह तरह का जो एड दिखाता है, एड आपके मोबाइल में जो शो होता है, तो वो एड को आप कैसे स्टॉप करोगे, ये ऐड से कैसे बचोगे, यही सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आपको आपके मोबाइल में कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। तो ये कौन सा सेटिंग है, ये सेटिंग जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके मोबाइल में, लाजिम से ये सेटिंग को आप करके रखिए। भले ही ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप ये वीडियो को देख के जो आप अपने मोबाइल में ये सेटिंग को लाजिम से करके रखिए। तो ये कौन सा सेटिंग है, ये सब जानने के लिए प्लीज़ आप ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक का देखिए। और आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक इन किए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ऑल बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ हम कैसे हम अपने मोबाइल को वायरस से बचाएंगे। देखिए कभी कभी हम अपने मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में जो मालवेयर डाउनलोड हो जाता है और उसकी वजह से हमारे मोबाइल में जो है वायरस घुस जाता है और हमारा मोबाइल जो हैंग करने लगता है, हमारा मोबाइल स्लो चलने लगता है। या फिर हम कभी कभी अपने मोबाइल में कोई ऐसा वेबसाइट पर चले जाते हैं वहाँ पर जो तरह तरह का जो है एड आपको दिखा के जो पागल बनाते रहता है, ऐसा ऐसा एड दिखाएगा आपको जो है एकदम परेशान करके रख देगा। तो वो एड्स को हम कैसे स्टॉप करेंगे और हम वायरस से कैसे अपने मोबाइल को बचाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने क्रोम ब्राउजर को जो है यहाँ पर मोबाइल में ओपन कर लेता हूँ, और आप भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है, तो राइट साइड में ऊपर में देखिए एक थ्री डॉट का आइकन दिख रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे में आइए और यहाँ पर देखिए सेटिंग लिखा हुआ है, तो आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको प्राइवेसी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर प्राइवेसी पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है सेफ ब्राउजिंग, तो आप यहाँ पर जो है इसे मार्क लगा लीजिए। तो यहाँ पर मार्क लगाने के आपको ये फ़ायदा है, जो आपको ये प्रोटेक्ट करेगा, आपके मोबाइल को जो है सुरक्षित रखेगा, आपके मोबाइल में जो है कोई भी ऐसा डेंजर वेबसाइट है तो उससे जो आपको बचा के रखेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर बैक आ जाइए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए साइट सेटिंग लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर साइट सेटिंग पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर स्क्रॉल करके ऐसा नीचे में आइए और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पॉपअप, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। और उसके बाद ये बटन जो है ऑन है, तो इसे आप क्या कीजिए, इसे ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आप कोई सा भी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको पॉपअप वाला एड जो है आपको नहीं दिखाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर बैक आ जाइए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एड्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर एड्स पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद इसे भी आप ऑफ कर दीजिए, ये बटन को भी आप बंद कर दीजिए। इससे आप क्या होगा, आप जो है आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर में, गूगल के अंदर में आपको जो है एड नहीं दिखाएगा और कोई भी मालवेयर जो है आपको डाउनलोड नहीं होगा। आपके जो है आपके मोबाइल को एकदम प्रोटेक्ट करेगा, आपके मोबाइल को जो है यहाँ पर एकदम जो है सिक्योर रखेगा। तो अब ये सेटिंग करने के बाद जो आपके मोबाइल में कोई वायरस जो है नहीं आएगा, अब आपके मोबाइल में कोई जो है ऐसा एड्स आपको नहीं दिखाएगा। पहले आपको बार बार एड दिखा के आपको परेशान करता था, तो ऐसा एड जो है अब ये तीनों सेटिंग करने के बाद जो आपको कभी भी नहीं आएगा। और ये तीनों सेटिंग जब आप अपने मोबाइल में कर लोगे तो आपका मोबाइल जो एकदम सिक्योर रहेगा, कोई भी वायरस इसमें आपके मोबाइल में नहीं घुसेगा और ना आपको एड दिखाएगा। तो जाइए, अगर आप भी ये सेटिंग को नहीं करके रखे अपने मोबाइल में तो जल्दी से जाके ये वीडियो को देख के जो है आप कर लीजिए। तो ये सेटिंग लाजिम आपको करना है।